नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। हाँ, जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, प्लीज मुझसे कहिएगा। मैं भी तो आपका बेटा हूं। वैसे मैं कल आपके बेटे को कुछ रकम देकर गया था। मामा कह रही थी कि अगर आपको और जरूरत पड़े तो प्लीज बता दीजिएगा। बड़ी मेहरबानी छोटे साहब, पहले भी ये सब कुछ आप लोगों का ही दिया हुआ है। अल्लाह ताला आप लोगों को और ज्यादा दे। अल्लाह आपकी हर दिली मुराद को पूरा करे। जी मामा। इब्राहिम बेटा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे बाबा ऑफिस में वेट कर रहे हैं तुम्हारा। जी मामा, मैं बस ऑफिस ही जा रहा हूँ। मैं तुम हो कहाँ बेटा? मैं हाजरबे की तरफ आया, लेकिन आप बेफिक्र हैं, मैं बस यहाँ से ऑफिस ही जा रहा हूँ। ओके, चलो। ओके हाजरबे, मैं चलता हूँ। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। आहट कोई ना सुनते अपने आशियाने में, हंसने से दर्द मिला है हमको जमाने में। कांटों के रास्ते हैं बस मेरे अफसाने में, कर्ब हमने झेला बहुत तुमको मनाने में। कैसी है मानुषे? तुमने कॉल ही नहीं की मुझे। मैंने सोचा तुम्हें खुद कॉल करूं, तुम्हारा हाल चाल पूछूं। थैंक यू कि तुमने कॉल कर ली। पता है, मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें कॉल कर लूं, और बस मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, साथ ही तुम्हारी कॉल आ गई। वो इब्राहिम का बताओ, वो कहाँ है? मैंने उसको फ़ोन किया, उसने रिसीव ही नहीं किया। तुम्हें तो पता ही है भाई किस कदर रहम दिल इंसान है, और कुत्सिया के मामले में तो कुछ ज़्यादा ही रहम भर जाता है उनके दिल में। पता नहीं क्या जादू करती है ये लड़की, हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, मैं कुछ समझी नहीं, ऐसा क्या कर दिया इब्राहिम ने कुत्सिया के लिए? कुत्सिया के फादर की डेथ हो गई है, तो बस भाई दो दिन से दिनों रात वहीं पर चक्कर लगा रहे। वो मुझे पापा बुला रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कुत्सिया के फादर की डेथ हो गई और इब्राहिम वहां है, मुझे कुत्सिया से मिलना होगा। अगर मैंने कुछ ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि कुत्सिया इब्राहिम की मोहब्बत का झूमर अपने माथे पर सजाकर इब्राहिम की दुल्हन बन जाए, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखो इलियास, रशीद को इस दुनिया से गया हुए पूरा हफ्ता हो चुका है। अब जो होना था वो तो हो गया। हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है बेटा, जाने वालों को कौन रोक सकता है? अब तुम दोनों आगे की सोचो कि आगे क्या करना है। क्या मतलब ताई जी? मतलब ये कि कुत्सिया को ना तो खानदान से कोई ब्याहने आएगा और ना बाहर से कोई बारात इस चौखट पर आएगी। देखो, मैं तो ताई हूं, और ताई तो माँ के बराबर होती है, और माँ तो हमेशा अपनी बेटी से मोहब्बत करती है। इसलिए मैं कुत्सिया को अभी भी अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूं, और वो भी बिना किसी जहेज के।
तुम दोनों तो जानते हो कि ये रिश्ता तो बचपन से तय था। वो तो बस तुम्हारी माँ ने रशीद का दिमाग ख़राब किया हुआ था कि बच्ची को पढ़ाना है, बच्ची को पढ़ाना है, इसलिए रशीद कुत्सिया को पढ़ाने पर तुला हुआ था। वरना हम जैसे लोगों को क्या लेना देना पढ़ाई से? पढ़ लिख के हम जैसे को कौन सी बड़ी बड़ी नौकरियाँ मिल जाती हैं? हमें तो बस होता है कि छोटा मोटा रोज़गार मिल जाए, दो वक्त की रोटी पूरी हो जाए, हमारे लिए तो यही काफ़ी है। अब मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों किसी तरह हाजरा को मना लो बस। जाना तो मुझे चाहिए था रशीद, तुम क्यों छोड़ गए मुझे? कैसे रहूंगी अब मैं तेरे बगैर? मैं मर जाती तो अच्छा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है माँ। अब्बा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। वो मुझसे बहुत नाराज थे इसीलिए चले गए। बात तक नहीं करते थे मुझसे, सिर्फ मेरा चेहरा देखते रहते। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई अब्बा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, तुम खुद को मत कोसो। माफ कर दिया था उसने तुम्हें, तो खुद को इल्जाम मत दे मेरी बच्ची। अरे भाई क्यों ना दे खुद को इल्जाम? जिसकी वजह से अब्बा मरे उस पे इल्जाम तो आएगा। सारी दुनिया जानती है कि कुत्सिया की हरकतों की वजह से अब्बा मर गए। अरे उम्री क्या थी बेचारों की, चलते फिरते हट्टे कट्टे दिखाई देते थे। अम्मा मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी करके इसे इस घर से रुखसत करो। कहीं ऐसा ना हो कि अब्बा के बाद तुम भी मौत को गले लगा लो इस कुत्सिया की वजह से। किश्वर खुदा का खौफ करो, तुम्हारी भी बहनें हैं। बहनों वाली हूँ इसीलिए कह रही हूँ अम्मा। और बात सुनो, मेरी बहनों का ना इस कुत्सिया से मुकाबला मत किया करो। मेरी बात पर गौर करो, इसके लक्षण घर में बिठाने वाले नहीं है। हाय पापा। हेलो। खैरियत, आज तुम खाना घर पर खा रही हो? आप भी तो घर पे खाना खा रहे हैं आज। तुम्हारी इतना के लिए अर्ज है कि मैं आजकल डेली घर पे ही खाना खाता हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं, तुम्हारे गले शिकवे दूर कर सकूं। पर हमारे लिए टाइम ही नहीं होता आपके पास। खैर अब आई गई हो तो शुरू करो खाना। मैं खाना तो खाकर आई हूं, लगता है खाना ही पड़ेगा। इतना कम खाना शुरू कर दिया है तुमने? इतनी ज्यादा डाइटिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हेलो
जी शफीक साहब, खैरियत? आपकी कॉल इस वक्त। जी सर, वो एक खबर देनी थी आपको। जी कहिए। कुसिया बीबी के वालिद की डेथ हो गई है। क्या? एक मिनट। ये तो बहुत अफसोसनाक खबर है। मुश्किल वक्त होगा उसके लिए। लेकिन ये हुआ कब? जी कुछ दिन पहले। मुझे भी अभी पता चला, सोचा कि आपको बता दूं। सर कोई हुक्म मेरे लिए? आप ऐसा करें कि कंडोलेंस के लिए एक वाइट बुके, और बल्कि नहीं, आप रहने दें, मैं खुद सुबह लेकर आपको दूंगा। आप उसे भिजवा दीजिए। जी सर। ओके। हाजरा कहाँ भाई? जी अब्बा। अरे ये लो, तुम्हारी नई किताबें। नई किताबें? अब्बा ये तो बिल्कुल नहीं है। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? पुरानी किताबें भी तो मिल जाती हैं आधी कीमत पे। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता, लेकिन नई किताबों की बात ही कुछ और होती है। पढ़ाई के लिए दिल मायूस नहीं होता, बिना जरूरत भी पढ़ने को जी चाहता आदमी। ये क्या बात है? देखो बेटा, जब ईद आती है ना, तो ऐसा होता था कि नए कपड़े आते थे और तुम चांद रात को ही पहन के बैठ जाया करती थी। स्कूल के नए जूते ला के देता था ना तुम्हें, रात को ही पहन के सो जाया करती थी उसके साथ। लेकिन अब्बा वो सारी चीज़ें मुफ्त की होती थी, बेगम साहबा देती थी। लेकिन अब मुझे एहसास है कि आपका कितना खर्चा होता है मेरी पढ़ाई पे। इन पर पैसे खर्च नहीं करूँगा तो और किस पे करूँगा? तुम देखना, तुम्हारी सारी किताबें जितनी है ना, सब संभाल के रखूँगा। जब तुम पढ़कर एक अफसर बन जाओगी ना, तो मैं घर में बड़ी बेगम साहबा की तरह एक लाइब्रेरी बनाऊँगा, जो बड़े साहब की है ना। एक बार देखी थी मैं, बिल्कुल वैसी। थैंक यू। चाहे हमको दिल में रख लो, चाहे भुला दो, संग जो गुजारे लम्हे उनको जला दो। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे आज ही कुत्सिया से मिलना होगा। कुत्सिया और इब्राहिम के दरमियान बढ़ते ताल्लुक को रोकना होगा, और इसके लिए मेरा सबसे बड़ा हथियार खुद कुत्सिया ही हो सके। लेकिन क्या ऐसा कभी हो पाएगा? मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो पाएगी? सिर्फ एक हसरत बनकर दिल में ही रह जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि नई मुलाजमा का इंतजाम कर लूंगा। क्यों भाई, हाजरा से तुम्हारा दिल भर गया क्या? हाजरा से नहीं,
उसकी बेटी खुद से ऐसे दिल भर गया हमारा। उसकी बेटी? उसकी बेटी ने क्या किया? उसके हाथों का तो खाना भी तुम लोगों को पसंद है, क्यों राबिया? बेटी ने कुछ किया है क्या? हाँ वो कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है बाबा, चोरी की है उसने। चोरी? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है अनुषे, वो ऐसी लड़की नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा आप ज्यादा जानते हैं उसको, आपको बेहतर पता है कि वो कैसी है। अनुषे बेटा मैं कह रही हूँ ना, तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। खामोखा में एक छोटी सी बात को इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है। मैं बात बड़ी नहीं करी मामा, जो हकीकत है सबको वो दिखा रही, आप बस मुझे चुप ही करवाती रहे। भाई हुआ क्या है, कोई मुझे कुछ बताएगा? कुछ नहीं हुआ इकबाल, उस बेचारी ने गलती से इसका जोड़ा अपने साथ लगा लिया था, तो बस उस पे गलती से नहीं जानबूझकर लगाया था। ये देखें इसको, ये क्या कर रही है इस बेटी, मेरे कमरे में मेरे परफ्यूम्स यूज करी, मेरी चीजों को यूज कर रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है अनुषे, किसी का परफ्यूम यूज करना चोरी नहीं होती। परफ्यूम का तो सिर्फ वीडियो में पता चला है, पता नहीं क्या क्या कुछ चुरा चुकी है वो मेरे कमरे से। राबिया इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया नहीं, 20-20 साल से हमारे यहाँ मुलाजिम काम कर रहे हैं, और वो भी इसलिए कि उन्होंने आज तक कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की, और हम हर तरीके से उनका ख्याल रखते हैं, और फिर हाजरा को भी तो। इकबाल ऐसी कोई बात नहीं है, ये अनुषे भी ना छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रही है। उस जोड़े वाली बात पर लड़की ने मुझसे माफी मांग ली है, और अनुषे के कमरे से उसने कुछ नहीं चुराया है। अच्छा मामा ठीक है, आप एक काम करिए उसका साइड ले और रखिए उसको इस घर। इकबाल ऐसी कोई बात नहीं है, पता है मैं तो बस हाजरा की वजह से कह रही थी, वो बेचारी बीमार रहने लगी है, और फिर शौहर की मौत के बाद उसकी बेटी आती रही है, लेकिन अब उसने भी आना छोड़ दिया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं एक और मुलाजमा रख लेती हूँ। हाजरा बीक की जब हिद्दत खत्म हो जाएगी तो उसे काम की ज्यादा जरूरत होगी, तब वो आ जाएगी। फिर तो अभी बात करना मुनासिब नहीं है, तुम कुछ रोज बाद बात कर लेना, फिर देख लेंगे जैसा बेहतर समझेंगे वैसा कर। ठीक है। खैरियत अनायत, सुबह सुबह तुमने कॉल की। खैरियत ही तो नहीं है, इतनी हसीन सुबह है और तुम मेरे साथ नहीं हो। अब मैं हर वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ना। यही तो मैं चाहती हूँ इब्राहिम, कि हमेशा के लिए मुझे तुम्हारा साथ मिल जाए। साथ उसी का मांगना चाहिए जिसके साथ की कोई उम्मीद हो। मैं उम्मीदों के सहारे जिंदगी गुजारने की कायल नहीं हूँ इब्राहिम। खैर छोड़ो, मैं सोच रही थी कि समर वेकेशंस का कुछ मिलकर प्लान करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। नहीं मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, मैंने वेकेशंस पे पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया, और अभी भी आई एम गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है बाय। मैं जानती हूँ तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की, तुम मुझसे नहीं अपनी किस्मत से भाग रहे हो, और जिस चीज की उम्मीद तुम लगाए बैठे हो उसको तो मैं तुम्हारा कभी होने नहीं दूंगी। अम्मा खाना खा लें। क्या सोचा है भाई काम पे जाने के बारे में, या ऐसी मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहोगी? किश्वर जुमा जुमा 8 दिन हुए रशीद को गए, और तुमने हमारे निवाले गिनना शुरू कर दिए। क्यों ना गिनूं निवाले, महंगाई का आलम देखा है, और जब इलियास काम पे जा सकते तो ये क्यों नहीं जा सकती?
सारा खर्चा हम बैठ के चला रहे हैं। घर का खर्चा अलियास भाई के पैसों से नहीं चल रहा है, उन पैसों से चल रहा है जो बेगम साहिबा ने भिजवाए थे अपने बेटे के हाथों। हो बीबी, कफन दफन नजर न्याज, कहां से आए सारे पैसे? और तुम्हारी जबरदस्ती की दवा दारू, सारे खर्चे तुम्हारी आंखों के सामने है अम्मा। और इसको समझा दो, ये पैसों की धोस्ता मुझे ना लगाए, एक एक रुपए का हिसाब करके रखा है मेरे मियाँ ने। और तुझे बड़ी फिक्र हो रही है बड़ी बेगम साहिबा के बेटे की, कहीं उसके साथ भी कोई फिल्म उतरवा के तो नहीं आ गई अमीर होने के चक्कर। ईश्वर, बकवास मत कर अम्मा। खबरदार जो तुमने मेरी बच्ची के बारे में कोई बात की, जबान खींच लूंगी मैं तुझे। जो मैं आता है बोलती रहती। चलो शुरू हो गया तुम माँ बेटी का ड्रामा दोबारा से। अरे फिल्म में होना चाहिए था तुम दोनों को तो। और इतना आसान नहीं है किश्वर की जबान को खींचना। मान लिया मैं घर वाली हूँ, मैं अपना मुंह बंद कर लूंगी, दुनिया का क्या, जिसने जो देखा है ना वो बोल के छोड़ेगा। आपको और इलियास भाई को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना और अम्मा का खर्चा उठा लूंगी। भरम तो ऐसे दिखा रही है जैसे किसी ने तेरा महीना बांध के रखा हुआ है। ड्रामा खत्म हो गया हो तो खाना ठूस लो, ठंडा हो जाएगा। शुरू हो गए ड्रामे। छोड़े आप इनको, खाना खाया। और सफेद फूल मैम, ये आपके लिए। भाई, ये जिसने भी भेजे हैं ना उसे वापस जाके दे दें, मैं ये रिसीव नहीं कर सकती। मैम प्लीज ये रिसीव कर ले, मेरी नौकरी का सवाल है, आप मेरी बहन की तरह हैं, और कहीं मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहाँ दूसरी नौकरी ढूंढता फिरूंगा। आप प्लीज ये रिसीव कर ले, मेरे अब्बू बीमार रहते हैं, उन्हें बार बार हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता, मेरी नौकरी चली गई तो कहीं मेरे अब्बा। अच्छा अच्छा, मैं ये ले लेती हूँ, लेकिन प्लीज आप आइंदा ऐसी कोई चीज मेरे घर मत लाइए। थैंक यू। आपके वालिद की खबर मिली, बहुत दुख हुआ सुनकर। आप इस वक्त यकीनन शदीद सदमे में होंगी। ये वक्त ही ऐसा होता है, किसी अनजान के भी प्यार भरे दो बोल कानों को बहुत भले लगते हैं। दिल कुछ हल्का हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये भूल गम की इस घड़ी में आपके साथ ही बनेंगे। अल्लाह पाक आपके वालिद को जवारे रहमत अता करे और आपको सब्र कामिल। Amen.
सिया बेटा अनाया आई। अनाया मुझे तुम्हारे अब्बा का पता चला, बहुत अफसोस हुआ। पहले पता होता तो पहले ही चली आती। अब होनी को कौन टाल सकता है, इंसान को तो सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ता है। बेटा बैठो, तुमने चाय लेकर। बैठो ना। मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे पापा को सुन के, और तुम्हारे लिए सोच सोच के मुझे और परेशानी हो रही थी। तुम्हारे अब्बा किस तरह रिक्शा चलाकर इस घर का खर्चा पूरा करते थे। तुम फिक्र नहीं करना आप कुछ से, तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो। नहीं नहीं, थैंक यू। यकीनन ये किसी बहुत ही करीबी बंदे ने भिजवाया, बहुत ही खूबसूरत और क्लासी फूल। रिदा नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, मैंने तो उसे नहीं बताया, तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। इब्राहिम तो आया होगा ना? इब्राहिम, तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है साथ, और तुम्हें सेव करने के लिए सबसे फाइट करता है। कितना एहसास है ना उसे तुम्हारा, और हो भी क्यों, तुम उसके घर में काम भी तो करने जाती हो। देख लो, तुमने तो मुझे बताया नहीं लेकिन मुझे खुद ही पता चला। हाँ वो मेरी अम्मा काफी साल से इब्राहिम के घर काम करती हैं। वो अचानक बीमार पड़ गई थी तो मुझे जाना पड़ा। हाँ कुत्सिया, मुझे सब पता, और बल्कि मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम सब जानते हुए भी उसके घर काम कैसे करने जा सकती हो। मेरा ना सही लेकिन अमारा की बात पे तो बिलीव किया होता तुमने, उसने सब कुछ खुद तुम्हें बताया था। देखो कुत्सिया, मेरा फर्ज था इब्राहिम के बारे में तुम्हें आगाह कर, उसके बारे में सब कुछ सच सच बताना तुम्हें। उसके बाद भी अगर तुम इब्राहिम की तरफ रागिब होती तो फिर मुझे तुम पर हैरानगी नहीं, शक होगा तुम पर और तुम्हारे कैरेक्टर पर। मेरा अब भी तुम्हें एक ही मशवरा कि तुम इब्राहिम से बच के रहो। अम्मारा तो बच गई, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दामन पे कोई दाग लग जाए। तुम जितना उसके करीब रहोगी उतना ही इब्राहिम के लिए आसानी होगी। तुम्हारे सामने वो बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर, जैसे पूरी दुनिया में उस जैसा कोई नहीं, और यूनिवर्सिटी में तुम्हारी सच्चाई सबको पता लगने के बावजूद वो तुम्हारे साथ खड़ा रहा।
इससे ज्यादा तुम्हें और क्या प्रूफ चाहिए? तुम खुद सोचो ना कुत्सिया, वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? तुम जैसी गरीब लड़की से वो शादी तो करने से रहा, तो तुम खुद सोच लो कि वो तुमसे क्या चाहता हो। ये लो तुम्हारे फूल। मुझे लगता है कि ये फूल भेजने वाला इंसान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत केयर करता है, मुखलिस है तुमसे। अपना ख्याल रखना कुत्सिया, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। यार मैं मामा और बाबा से कुत्सिया के बारे में बात करने का सोचूं, लेकिन अनुषे का जो रवैया है कुत्सिया के साथ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे बात करूं। तेरी बात हुई कुत्सिया से? नहीं, मैं उसके वालिद की वफात पर उसके घर गया था, उसने तो मुझसे मुंह ही फेरी, मेरी किसी बात का जवाब तक नहीं। देख ब्रो, वो एक गरीब लड़की है और उसका बाप जो है ना वो रक्षा चलाता था, और वो खुद तेरे घर पे मुलाजमा का काम करती है, और तू, तेरा बैकग्राउंड कितना अमीरों वाला है यार। ऑफ कोर्स उसके दिमाग में 10 बातें गर्दिश करती होंगी, ऑब्वियस है। छोड़ ना, कि चक्कर में पड़ा हुआ है तू, आगे बढ़, किसी और को देख। क्या कह रहा है? तू जानता नहीं मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, तो मैं कुत्सिया को भी बता चुका हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। हाँ भाई, मैं मानता हूँ, लेकिन जहाँ क्लास का इतना बड़ा डिफरेंस हो ना, वहाँ मोहब्बत को एक्सेप्ट करना इतना आसान थोड़ी होता है यार। और वैसे भी अच्छी लड़कियों के लिए कि मोहब्बत का अंजाम शादी होती है। कहते तो ठीक रहा है। और एक और बात ब्रो, अभी अभी उसके वालिद के इंतकाल को चंद हफ्ते ही गुजरे हैं, बट इट टेक अ टाइम यार, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो, आराम से बात करना उससे। स्पीड बढ़ाएं क्या? यकीनन ये किसी बहुत ही करीबी बंदे ने भिजवाया, बहुत ही खूबसूरत और क्लासी फूल। रिदा नहीं आई तुम्हारे साथ? मैं जैसा सोच रही हूँ, क्या ये सब कुछ मुमकिन है? क्या ये सब कुछ सच हो सकता है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? पापा कुत्सिया के साथ? नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो इब्राहिम, एक तरफ पापा और एक तरफ इब्राहिम, ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली। किशोर भाभी खर्चे की वजह से काम पर जाने का बोल रही है, और अम्मा अभी इद्दत में है, वो जा नहीं सकती। ऐसे में मुझे ही जाना होगा, मगर अनाया की बातें मेरा दिल दहला देती है।
मैं इब्राहिम के घर नहीं, क्या करूं खुद समझ नहीं आ रहा। चलो बेटा खाना। अम्मा आपने क्यों सहमत की, मैं खुद ले लेती ना जब भूख लगती। फिर तो तुम ना लेती। खाना खाओ बेटा, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कल से काम पे चली जाऊं। अल्लाह पूछे इस किश्वर को, अरे जरा खुदा का खौफ नहीं है इसे? अभी दिन ही कितने हुए तुम्हारे अब्बा को गए और इसने हमारे निवाले गिनना शुरू कर दिए। अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं वो, इलियास भाई अभी इस काबिल नहीं है कि वो हमारे खर्चे उठा सके, वो अपने खर्चे पूरे कर लें वही बहुत है। और फिर अब्बा के बाद हम इलियास भाई पर बोझ तो नहीं बन सकते ना? कुछ भी है बेटा, तुम्हें तो काम पर नहीं जाने दूंगी, तुम्हारे अब्बा का ख्वाब तो मैं हर हाल में पूरा करूंगी, पहुंच जाऊंगी मैं काम। अम्मा क्या हो गया आपको, अभी तबीयत भी सही नहीं हुई आपकी और फिर आपकी इद्दत भी तो है। तुम मेरी फिक्र ना करो बेटा, मेरी तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है। इमाम साहब आए थे तो मैंने ये मसला भी पूछ लिया, उन्होंने कहा कि ज्यादा मजबूरी में औरत घर से बाहर जा सकती है। लेकिन अम्मा मोहल्ले वाले तो बातें बनाएंगे ना, और उनमें सबसे आगे ताई, फिर क्या कहेंगे लोग, आपका जवान बेटा मौजूद है तो फिर कैसी मजबूरी। लोग तो दिल आजारी के लिए सिर्फ बातें ही बना सकते हैं, किसी के मुंह में कोई निवाला नहीं देता। और वैसे तो बातें सुनने की आदत सी हो गई, लेकिन हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है, जहां इतना इंतजार किया चंद हफ्ते और से, लेकिन तुम भी नहीं जाओगी वहां। ये फूल कहां से आए? सोरे मेरे हाल पर